Yes. Now we have to explain Unit 3 Rational Numbers Part 3 Wow Maths. Now we have to explain exercise 3.3 of question number 7. Ankit reads 1/3 of a story book on the first day and 1/4 of the book on the second day. कि उसने सेकेंड डे कितनी बुक रीड की है. वॉट पार्ट ऑफ द बुक इज येट टू बी रीड बाय अंकित. अब अंकित को कितनी बुक रीड करनी है, तो क्या करेंगे. सबसे पहले अंकित रीड्स बुक ऑन द फर्स्ट डे इक्वल्स टू 1/3. ही रीड्स बुक ऑन द सेकेंड डे इज इक्वल्स टू 1/4. स्क्रीन इज विजिबल. Now we have to write total parts read is equals to 1/3 plus 1/4. क्या करेंगे, टेक आउट द एलसीएम. एलसीएम इज 12. यस. नाउ वी हैव टू डिवाइड 3 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 7/12. यस या नो. Now, अब हम ये सपोज करेंगे बेटा कि टोटल बुक 1 थी, तो क्या करेंगे, पार्ट्स येट टू बी रीड, तो इसे क्या करेंगे 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे कि अब कितनी बुक और पढ़नी है. तो क्या करेंगे, सेम पैटर्न, एलसीएम टेक आउट किया 12, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5/12. दैट इज मीन्स अब अंकित को कितनी बुक और रीड करनी है. Yes, that is clear. Okay, now next question. Question number is 10. Question number 10 is Anil spent 1/4 of his monthly income on food. Anil ne 1/4 मनी किस पर स्पेंड करी, फूड पर. 2/5 ऑन द अदर एक्सपेंसेस, और 2/5 किस पे स्पेंड करा उसने, अदर एक्सपेंसेस पर. एंड 1/6 ऑन हिज मंथली इनकम फॉर द एजुकेशन ऑफ ऑर्फेन. उसने 1/6 किस पे स्पेंड कर दिया, ऑर्फेन पर, मींस एजुकेशन के लिए डोनेशन दे दिया. हाँ बेटा, एक्सपेंसेस तक है, एंड के बाद अलग पॉइंट है, ठीक है. अब देखो अनिल ने क्या करा है बेटा, फूड पर कितना स्पेंड करा है, तो लिखेंगे अनिल स्पेंड, यस, मनी स्पेंट ऑन फूड 1/4. फूड के बाद कहाँ स्पेंड हुई है मनी, अदर एक्सपेंसेस पर. तो यही लिखेंगे मनी स्पेंट ऑन अदर एक्सपेंसेस इक्वल्स टू 2/5. इसके बाद हमने कहा स्पेंड किया है, एजुकेशन पर. मनी स्पेंट ऑन एजुकेशन इज इक्वल टू 1/6. दैट इज क्लियर. अब देखिए, जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया था, हम क्या निकालेंगे, टोटल स्पेंड मनी, कि हमने अभी तक टोटल, यस यस, तो पहले एलसीएम के फॉर्म में लिखा 1/4 प्लस 2/5 प्लस 1/6. फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 4, 5 एंड 6. टेल मी व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 4, 5 एंड 6. नो, 60. ओके, नाउ 4 से डिवाइड करेंगे 60 में, फिफ्टीन प्लस, नाउ 5 से डिवाइड करिए 12, और 12 2 24 प्लस 6 से डिवाइड करिए
यस। अब आगे क्या करा आपने, इन्हें सेम यही पैटर्न लिखा, अब ऐड कर दीजिए। ऐड यस। अब देखो, अब क्या कहा, लेफ्ट। अब लेफ्ट का पता कैसे चलेगा, अभी जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, लेफ्ट बुक फाइंड आउट करने के लिए वन में से सबट्रैक्ट किया था। यस, ऐसे ही हाँ, रिमेनिंग मनी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, वन में से सबट्रैक्ट कर देंगे। 1 माइनस 49/60। ओके यस, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 60, सो वी हैव टू राइट 60 माइनस 42, सबट्रैक्ट देम। यस, 11/60। यस, अब देखो क्वेश्चन में कहा था कि जो मनी है उसके पास बची है 10,000 रुपीज, तो अब हम यहां पर अब टोटल मनी भी, टोटल मनी भी एक्स। क्या करेंगे, रिमेनिंग मनी 10,000 थी और टोटल मनी एक्स हमने जब सपोज कर ली, इट मींस हमारे पास रिमेनिंग मनी है 11/60, सो वी हैव टू राइट 11/60 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10,000। दैट इज हाँ। तो अब देखो बेटा, हमने पहले ऑफ को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा, नाउ वी हैव टू राइट एक्स इज इक्वल टू 10,000। साइड चेंज करेंगे तो 60 ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर में और 11 हो जाएगा नीचे। यस, सॉल्व करिए और बताइए आउटकम्स क्या आएगा। फिर कौन बताएगा आउटकम्स, जल्दी से बताइए। अब बेटा पॉइंट बता दीजिए। दिस इज योर आंसर। नाम्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, नाम्या आ रही हो है? यस कौन सा बेटा, नहीं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 इजी था इसलिए मैंने नहीं कराया। हेलो
क्या बेटा, रिपीट करो, क्या कह रहे हो आप? नो 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 बेटा, डिवाइड जब आप साइड चेंज करोगे यहाँ, तो आप ऐसे ही तो करोगे, 60 को ऊपर साइड चेंज करोगे और 11 को नीचे लेंगे, इसी पैटर्न से तो देखो क्या बेटा, मल्टीप्लाई में डिवाइड होगा, मींस इस रीजन से आपका क्या होगा, जो साइड चेंज होगी आपकी, वो उसमें जो डिजिट है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी इस, सो वी हैव टू राइट 60 अपॉन 11। ओके okay? हाँ अभी यस नहीं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने होमवर्क में बोला है आपसे, क्योंकि वो इजी था, अगर आपको, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर जो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास होती है उसमें डिस्कस कर लेंगे उस क्वेश्चंस को। ओके okay? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज का स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। नाइन क्या था बेटा, टीना जो मेन था, टीना रिया इरफान वेंट आउट फॉर अ लंच इन रेस्टोरेंट, कि रेस्टोरेंट में लंच करने गए, टीना पेड 1/4 अमाउंट, इरफान पेड 1/3, रिया पेड रिमेनिंग बिल, तो 1/4 और 1/3 को ऐड करेंगे और 1 में से सबट्रैक्ट कर देंगे। हाँ बेटा वो मैंने अभी ओरली एक्सप्लेन किया है ना वो क्वेश्चन, तो 9। हाँ बेटा चलिए अब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एज डेसिमल। फर्स्ट पॉइंट इज 15/4, तो 15/4 को सॉल्व करना है और डेसिमल में आंसर देना है, तो क्या करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 15 इस पैटर्न से लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, 4 3 12, सबट्रैक्ट देम 3, पॉइंट लगाएंगे और 10 इंक्रीज करेंगे, 4 7 28, 2, फिर पॉइंट लगा हुआ है बेटा 0 इंक्रीज करेंगे, 4 5 20, यस कंप्लीट क्लॉप्स हो गया, यस आंसर इज 3.75, दैट इज क्लियर। ओके नाउ वी हैव टू एक्सप्लेन सेकंड पार्ट, 2/9, यस नाउ वी हैव टू राइट 9 डिवाइडेड बाय 2, तो यहां क्या प्रॉब्लम है बेटा कि 9 से हम डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते, सो वी हैव टू राइट यस 0.0 इंक्रीज, 9 2 18, 2 फिर 0, अब देखो यहां बेटा कंप्लीट अगेन एंड अगेन 2 2 आता रहेगा। हाँ तो जब ऐसी कंडीशन हो तो बस पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स लेंगे और वहीं पर स्टॉप कर देंगे। हाँ बेटा 2 टाइम्स या मैक्सिमम 3 टाइम्स। हाँ बेटा आंसर सही होगा, आंसर इज योर 2 0.22। ठीक है अब यहां पर ये दो पार्ट आए बेटा, फर्स्ट चीज 15/4, ये आपने ध्यान दिया तो कंप्लीट क्लॉप्स हो गया था, यस या नो, तो कंप्लीट क्लॉप्स हो गया, तो जब कंप्लीट क्लॉप्स हो गया तो उसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग,
कंप्लीट क्रॉप्स हो गया तो क्या बोलेंगे उसे? और आपने इसे देखा, ये कंप्लीट क्रॉप्स नहीं हुआ तो इसे बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, दैट इज क्लियर। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे 5 रेशनल नंबर्स पूछे हैं जो टर्मिनेटिंग हो, तो आपको अपने आप कोई भी 5 ऐसे रेशनल नंबर्स लिखने हैं जो कंप्लीट क्लॉप्स हो जाएं, लाइक एस 3/2, 5/4, कुछ भी एक्स वाई जेड, चॉइस योर्स। कोई भी 5 रेशनल नंबर्स लिख दीजिएगा जो कंप्लीट क्लॉप्स हो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर, ओके, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, 0.16। इसे क्या करना है आपको, सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करना है। तो क्या लिखेंगे आप, 0.16, 0.16 अपॉन 100। क्यों? क्योंकि आपने यह पॉइंट के बाद देखा कि कितनी जीरो है, कितनी डिजिट है, 2। तो आपने क्या करा, 0.16, पॉइंट के नीचे 1 और पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 2। तो 2 0 लगाएंगे और डेसिमल इज रिमूव, सो वी हैव टू राइट 16/100। अब आप ऑब्जर्व करिए दोनों नंबर्स किसी एक टेबल से क्लॉप्स हो रहे हैं, 2 8 16 और 250 100, सो वी हैव टू राइट 8/10। अगेन नंबर कट बाय हो जाएंगे एंड 4/5। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 0.250। सेम पैटर्न यहां फॉलो करेंगे आप, 0.250, पॉइंट के नीचे 1 लगाएंगे और कितनी जीरो है आगे, 3। तो पॉइंट रिमूव करके आप क्या लिखेंगे, 250/1000। नाउ 0 to 0 क्लॉप्स, सो वी हैव टू राइट 25/100। अब एक चीज चेक कीजिए, दोनों नंबर्स अगेन किसी टेबल से क्लॉप्स हो रहे हैं, 25 ऑफ 4, तो यस 1/4। बेटा आप आपकी ये यूनिट यहां फिनिश होती है, आप एक्सरसाइज 0.4 पर सब क्वेश्चन कीजिएगा, उसके बाद जो भी प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट क्लास यूनिट 3 की प्रॉब्लम्स जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।